सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर जब से जानलेवा हमला हुआ है, मालूम हो कि बीते बुधवार की शाम चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां चलाई गई, एक गोली उन्हें छूकर गुजर गई। चंद्रशेखर आजाद को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, हालांकि अब वह ठीक हैं और हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। इस बीच देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में तमाम विपक्षी दल हैं, जो डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं और योगी सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला जो हुआ है, उसकी कड़ी निंदा की जा रही है इन विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से। वहीं चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग की जा रही है कि जेड श्रेणी की उन्हें अब सुरक्षा मिलनी चाहिए। और इस घटना को देखते हुए अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात रखी है। ओपी राजभर का कहना रहा है कि मुझे जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, मैंने उनसे संपर्क किया था। उनका कहना रहा कि शोषित, वंचित और दलितों पिछड़ों के हक की जंग लड़ने वालों को इन सबके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर एक चंद्रशेखर मरेगा तो 100 खड़े हो जाएंगे। ओपी राजभर का कहना रहा, जहां तक हथियार के लाइसेंस की बात है, चंद्रशेखर हमें बताते तो कुछ जुगाड़ कर दिया जाता। पहले नेता लोग अपराधियों को पालते थे और अब अपराधी नेता को पालने बनाने लगे हैं। राजभर ने चंद्रशेखर आजाद को दलितों और पिछड़ों का नेता बताया। उनका कहना रहा कि वो उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर अब ओपी राजभर ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में अज्ञात हमलावरों ने चंद्रशेखर आजाद पर गोली चला दी थी, जिसके बाद तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 28 जून की शाम 5:15 बजे थाना देवबंद पुलिस को चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलने की सूचना मिली, जिससे कि पुलिस के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल देखा जाए तो ओपी राजभर डंके की चोट पर अपनी बात रखे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है। देखते हैं कि आखिरकार यहां पर योगी सरकार क्या कुछ अहम फैसले सुनाती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।